हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एट होम एंड यू आर डूइंग स्टडीज योर वेल एंड प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स ऑल्सो। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 7, द ब्लाइंड बेगर। द ब्लाइंड बेगर मीन्स एक अंधा भिखारी। ग्रीड इज़ वेरी हार्मफुल। लालच जो है हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है, बहुत हमें हानि पहुँचाता है। इट मे सीम वेरी अट्रैक्टिव फॉर अ मोमेंट बट इट एंड्स इन अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज एंड शेम। ये हमें अपने और खींचता है। हमें लालच जो है, हम उस किसी चीज़ को देखते हैं और उसके लालच में आ जाते हैं। उस वक्त हमें वो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब ये लालच हमारा वो पूरा हो जाता है, हम उस चीज़ को काम कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है एंड उस चीज़ का बहुत ज़्यादा परेशानी भरा होता है और उस चीज़ से हमें बहुत शर्मिंदगी भी बहुत उठानी पड़ती है। ये तो एक स्टोरी है। किसके बारे में ये स्टोरी? वंस इन बगदाद, अबू हसन द खलीफा वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट। ही सॉ अ ब्लाइंड बेगर। ही फेल्ट पिटी ऑन हिम एंड पुट अ गोल्ड कॉइन ऑन हिज पाम। एट दिस द बेगर सैड, मे गॉड ब्लेस यू नाउ, मे गॉड ब्लेस यू नाउ, प्लीज स्लैप मी टाइटली ऑन द फेस। तो ये बगदाद की स्टोरी है। बगदाद में एक अबू हसन नाम के एक खलीफा थे, वो सड़क पर जा रहे थे। उन्होंने एक अंधे भिखारी को देखा। उस अंधे भिखारी को देखकर उनको मन में दया आई। उन्होंने एक सोने का सिक्का निकाल कर उसके हथेली पर रख दिया। जब उन्होंने उस सोने के सिक्के को निकाल कर उसके हथेली पर रखा, तो उस भिखारी ने कहा कि आप ना, आप ईश्वर आपकी रक्षा करे, आपकी मनोकामना पूरी है। उसे दुआएं दी और उसके बाद जो है उसने उसको कहा, खलीफा को, कि आप ना मेरे फेस पर एक तेज से थप्पड़ मार दीजिए। द खलीफा वॉज अमेज्ड एट दिस। ही स्लैप्ड हिम एंड वेंट अवे। नेक्स्ट डे ही समंड हिम टू द कोर्ट एंड सेड, बाबा टेल मी द रीज़न यू आस्क्ड मी टू स्लैप यू। टेल इट विदाउट एनी हेजिटेशन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स आई शैल ट्राई टू सॉल्व इट टू माई एबिलिटी। तो जब खलीफा को भिखारी ने ये कहा कि आप मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दीजिए, फेस पर थप्पड़ मार दीजिए, तो खलीफा ने उनके फेस पर स्लैप कर दिया, उनको मार दिया थप्पड़। और फिर नेक्स्ट डे, लेकिन इस बात को सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत दुख हुआ कि ऐसा क्या बात है, क्यों ऐसे क्यों कहा है उन्होंने। नेक्स्ट डे, अगले दिन की बात है, तो उन्होंने उस भिखारी को अपने कोर्ट में बुलाया, अपने दरबार में बुलाया और उनसे पूछा कि बाबा बताओ क्या रीज़न है, क्या बात है कि आपने मुझे ऐसे स्लैप मारने के लिए, थप्पड़ मारने के लिए क्यों बोला है, और ये बात आप मुझे बिना किसी झिझक के बता दीजिए। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम को पूरी करने की, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। जितनी मेरे अंदर हिम्मत है, मैं उससे उतनी हिम्मत से आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। एट दिस द ब्लाइंड बेगर नरेटेड दिस स्टोरी। इस बात पर उस अंधे भिखारी ने एक स्टोरी बताई, उनको सुनानी शुरू की। द रिचेस्ट मर्चेंट ऑफ द टाउन वॉज ग्रीडी टू। ही हैड इनहेरिटेड अ लार्ज फॉर्चून फ्रॉम हिज फादर। ही हैड इंक्रीज हिज वेल्थ बाय हिज हार्डवर्क एंड प्रूडेंस। तो इस बात पर उन्होंने एक स्टोरी सुनाई कि एक टाउन था, एक कस्बा था, वहाँ पर एक रिचेस्ट मर्चेंट रहता था, वो सबसे ज़्यादा अमीर था और उसे जो है उसके फादर से जो मिला था, इनहेरिट हुआ था, जो उसके फादर के पास जितनी भी संपत्ति थी जो उसे मिली थी, और उसके बाद उसके अंदर लालच भी बहुत था, तो ये भी बात उससे उसको अपने फादर से ही मिली थी। और उसके अंदर उसने बहुत सारी पैसा इकट्ठा किया अपनी ताकत से, अपनी मेहनत से। उसके बाद क्या होता है, वन डे द मर्चेंट वॉज लीडिंग अ कारवा ऑफ 80 कैमल्स ऑन टू द सिटी ऑफ बासरा। ऑन द वे द डेसर्ट ही मेट एन ओल्ड फकीर। तो एक दिन की बात है, एक वही वो जो मर्चेंट था, वो अपने कारवा के साथ, उसके साथ 80 कैमल्स से जा रहा था वो सिटी ऑफ बासरा। तो उसके साथ 80 कैमल्स से, जबकि वो बासरा की तरफ जा रहा था, तो रास्ते में रेगिस्तान आया और वहाँ पर उसको एक बूढ़ा फकीर मिला। द फकीर सेड टू द मर्चेंट, आई कैन टेक यू टू अ केव फुल ऑफ वेल्थ, इवन ऑल दीज कैमल्स ऑफ योर्स विल नॉट बी एबल टू कैरी इट ऑल, यू कैन हैव इट इफ यू एग्री टू माय कंडीशन। तो फिर उस भिखारी ने कहा कि जब वो भिखारी उसको मिला मर्चेंट को, तो उसने उस भिखारी से ने उस मर्चेंट से बोला कि मैं तुम्हें एक ऐसी गुफा तक लेके जा सकता हूँ जहाँ कि तुम्हारे पास जितने भी ये कैमल्स हैं, जितने भी ये ऊँट हैं, उनके ऊपर तुम वो सब जो वहाँ पर वो है, सामान है, पैसा है, वो तुम इस पर डाल दोगे और उसके बाद भी वो बच जाएगा,
इतना सारा सारा वहाँ पर जो है खजाना रखा हुआ है। और तो इस बात के लिए वो मर्चेंट जो था मान गया कि चलो ठीक है। द मर्चेंट वाज इंटरेस्टेड इन इट इंस्टेंटली ही सेड व्हाट इज़ योर कंडीशन। लेकिन फिर उसने भिखारी ने कहा कि एक कंडीशन है, एक बात है जो जिस जब मैं तुम्हें उस तक लेके जाऊंगा तो तुम्हारी मुझे एक बात माननी पड़ेगी तुम्हें। वो क्या बात थी? तो उसने कहा, तो मर्चेंट ने कहा कि ठीक है मुझे बताओ वो क्या कंडीशन है, किस क्या बात मुझे तुम्हारी माननी है। तो फिर उसने भिखारी ने क्या बताया, वी शैल लोड द वेल्थ ऑन दीज कैमल्स एंड वी शैल डिवाइड द कैमल्स इक्वली, डू यू एग्री। तो उसने भिखारी ने ये बोला कि हम सारा जो खजाना है वो उन कैमल्स के ऊपर लोड कर देंगे, कैमल्स को के ऊपर हम लाद देंगे पूरा खजाना, लेकिन हमें इन कैमल्स को जो है ना फिर इक्वली डिवाइड करना होगा। मीन्स उसके पास 80 कैमल्स हैं तो 40-40 उन दोनों को आपस में डिवाइड करने होंगे। तो क्या तुम इस बात के लिए तैयार हो? द मर्चेंट एग्रीड। द फकीर टुक द मर्चेंट टू अ केव नियर बाय। इन द केव वॉज लाइंग सो मैनी ऑफ गोल्ड कॉइन्स दैट द मर्चेंट हैड नेवर इमेजिन। दे लोडेड द 80 कैमल्स विद द गोल्ड कॉइन्स। एज दे वर कमिंग आउट द फकीर नोटिस्ड अ स्मॉल मेटल बॉक्स इन वन कॉर्नर। तो उस भिखारी ने कहा कि ठीक है, फिर वो उसको लेकर गया भिखारी मर्चेंट को एक गुफा में, वो पास में ही थी। और उसके बाद वहाँ पर देखा, उस मर्चेंट ने देखा कि कितने इतने सारे वहाँ पे कॉइन्स हैं, गोल्ड के कॉइन्स हैं, इतने उसने कभी सोचे भी नहीं थे, कभी इमेजिन भी नहीं किए थे जितने गोल्ड कॉइन्स वहाँ पर थे। तो उन्होंने जो थे वो गोल्ड कॉइन्स उन 80 कैमल्स पर लोड कर दिए। तो जब वो गुफा से बाहर आ रहे थे तो उस फकीर ने एक मेटल का बॉक्स है वहाँ पर रखा हुआ था, उसने उसे देखा और फिर उसने उसको उठाकर उस बॉक्स को उठाकर उसने अपने पॉकेट में रख लिया। द मर्चेंट वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट ट्रैवल लुकिंग बॉक्स सो ही डिड नॉट केयर टू आस्क फॉर इट। ईच ऑफ देम टुक 40 कैमल्स एंड टर्नड वेयर दे हैड टू गो, द फकीर टूवर्ड्स बासरा एंड द मर्चेंट टूवर्ड्स बगदाद। तो अब वो फ़कीर जो था उसने उस बॉक्स को उठाया और उसने अपने पास रख लिया। तो वो कोई ज़्यादा बॉक्स ऐसा नहीं लग रहा था कि वो कोई उसमें पैसा हो या कुछ हो, तो उसने मर्चेंट को लगा कि इसमें कुछ ऐसा ख़ास नहीं है, उसने इसे इसलिए उस फ़कीर से इसके बारे में कुछ नहीं पूछा। और उसके बाद जब वो अपने अपने रास्ते पर जाने लगे तो उन्होंने 40-40 कैमल्स जो हैं आपस में डिवाइड कर लिए। फ़कीर जो था वो बासरा की तरफ चला गया और मर्चेंट जो था वो बगदाद की तरफ चला गया। Hardly a few yards had the merchant gone that he thought I had 80 camels and the fakir had none. I think we have not divided the wealth equally. तो फिर जब वो थोड़ी दूर चले गए तो उस मर्चेंट ने सोचा कि मेरे पास 80 कैमल्स है और फ़कीर के पास कुछ भी नहीं था, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास पैसा, जो हमारी जो वो है खजाना जो है, हमने इक्वली नहीं डिवाइड किया, क्योंकि वो कैमल अकेले 80 मेरे थे और फ़कीर तो खाली आता है था। और जब उस पर जो सामान रखा गया वो बराबर बराबर डिवाइड हुआ है तो कैमल्स तो ज़्यादा, फिर तो उसके पास वेल्थ ज़्यादा चली गई। सो ही टर्न्ड एंड वेंट आफ्टर द फ़कीर एंड सेड, यू आर अ फ़कीर एंड यू डू नॉट नीड सो मच ऑफ वेल्थ, वाई डू यू टेक 40 कैमल्स। तो फिर उस बात उसने कहा मर्चेंट ने कि तुम तो एक फ़कीर हो और तुम्हें जो है पैसे की ज़रूरत भी नहीं है, तो तुमने 40 कैमल्स क्यों लिए हैं? द फ़कीर स्माइल जेंटली एंड गेव हिम 10 कैमल्स। बोथ टर्न टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस बट द मर्चेंट हैड ग्रोन ग्रीडियर। ही कॉल्ड द फ़कीर अगेन एंड आस्क्ड, इवन दीज 30 कैमल्स आर टू मैनी फॉर यू टू लुक आफ्टर, वी डोंट वाई डोंट यू गिव मी 10 मोर कैमल्स। तो फिर उसने मर्चेंट ने कहा कि भाई तुम्हारे पास ये 30 कैमल्स हैं, फिर सॉरी पहले जब उन्होंने मर्चेंट ने कहा, पहले कहा था कि भाई तुम तो फ़कीर हो, तुम्हें तो इतने सारे खजाने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम 40 कैमल्स लेकर क्या करोगे? तो इस बात पर वो जो था फ़कीर उसने वो मुस्कुराया और उसने 10 कैमल्स उसको दे दिए। और अब जो मर्चेंट था उसके पास 50 कैमल्स हो गए और फ़कीर के पास अब 30 कैमल्स रह गए। तो फिर वो दोनों अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। फिर मर्चेंट के अंदर जो था फिर लालच अब बढ़ा और उसने फिर सोचा कि फ़कीर से जाकर फिर बोलूं। फिर उसने फ़कीर को जाकर बोला कि अब जो है तुम्हारे पास 30 कैमल्स हैं, ये भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हैं और तुम्हें इतने सारे कैमल्स की ज़रूरत नहीं है, तो तुम मुझे 10 कैमल्स
और दे दो। अब सो वी आर स्टॉपिंग द स्टोरी हियर, वी विल स्टडी द नेक्स्ट रेस्ट ऑफ द स्टोरी आफ्टरवर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।